कृषि भूमि के मुआवजे और गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर जहांगीराबाद में 27 गांव के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा और प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर किसानों की अफसरों से तीखी झड़प भी हुई। कलेक्ट्रेट में प्रवेश मिलने के बाद ही किसान शांत हुए। कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा कर रहे किसानों का दर्द है कि उनको जमीन से बेदखल करने के बाद भी पूरा मुआवजा नहीं मिला। प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रदर्शन किसान आया है, मदनपुर के साथ साथ 27 गांवों के किसान यहाँ आए हैं। हमारी जमीन पे रेलवे ने कब्जा कर लिया कई वर्ष पहले और आज तक भी हमें मुआवजे के नाम पे कोई पैसा नहीं मिला। आश्वासन मिलते रहे, प्रशासन हमें बेवकूफ बनाता रहा, झूठी मीटिंग करता रहा। आज किसान यहाँ पूरे दलबल के साथ आया है, मतलब सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर हैं किसानों के। और जब ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट में आए तो प्रशासन ने पुलिस बल के साथ किसानों को रोकने का काम करा, लेकिन किसानों ने गेट को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद अब आगे जा रहे हैं। अगर कभी भी गेट इस तरह से रोका जाएगा तो इसी तरह से टूटेगा। अगर प्रशासन जो है नहीं चाहता शांति, तो अब भारतीय किसान यूनियन भी शांति की बात नहीं करेगी। किसान यूनियन जिंदाबाद। दूसरी क्या मांग है? इसके अलावा दूसरी मांग है गन्ना भुगतान हो, हमारा गन्ना भुगतान है। बिजली की दर कम की जाए, आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को जो रोका जाए। आवारा पशुओं ने पूरी बंजर कर दी है जमीन, किसान का बुरा हाल कर दिया। आवारा पशु तत्काल रोके जाए, वरना जो निकट कार्यालय मिलेगा, सरकारी कार्यालय जो भी निकट मिलेगा, पशु उसी में बंद करे जाएंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो